1980 का दौर था। इयान स्टीवेंसन ये एंटोनिया मिल्स को भेजते हैं एक पुनर्जन्म के केस की रिसर्च करने के लिए। ये जो तोरण सिंह का जो टीटू का जो पुनर्जन्म का केस है इसके बाकायदा तथ्य भी मौजूद हैं, इस पर रिसर्च भी करी गई है देश विदेश के तमाम लोगों के द्वारा। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री भी इस केस पर टीटू सिंह पर बनी है। तो 1980 के समय में तमाम लोग जो थे वो पुनर्जन्म की घटनाओं का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। तमाम तरह की रिसर्च पुनर्जन्म की घटनाओं पर चल रही थी, इन घटनाओं में काफ़ी रुचि ली जा रही थी। और इयान स्टीवेंसन जो थे ये काफ़ी महारत हासिल थी इनको पुनर्जन्म की घटनाओं में, और इनकी ही शिष्या थी एंटोनिया मिल्स, ये भी रीइंकार्नेशन यानी कि हिंदी में पुनर्जन्म की रिसर्चर थी, शोध करने वाली इन पर थी। एंटोनिया मिल्स भी इयान स्टीवेंसन जो थे इनका एक जाना माना नाम था शोध के क्षेत्र में, और इनकी शिष्या एंटोनिया मिल्स का नाम भी काफ़ी विख्यात था। प्रोफेसर थी ये, तमाम बुक किताबें इन्होंने लिखी, कई तरह के सम्मान इनको मिले। तो इयान स्टीवेंसन ने 1980 के दशक में एंटोनिया मिल्स को भेजा एक पुनर्जन्म के केस की रिसर्च करने के लिए। एक लड़का था जिसका नाम था तोरण सिंह और घर का नाम था टीटू, 8-9 साल की उम्र, और ये लड़का कह रहा था कि मेरा ये दूसरा जन्म है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इस केस की रिसर्च करने के लिए भेजा गया था इनको। तो कौन था ये तोरण सिंह उर्फ टीटू? आगरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बाद। बाद में एक घर था जिसमें रहते थे महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद की 5 संतानें हो चुकी थी और उनकी पत्नी 6ठी संतान को जन्म देने वाली थी, लेकिन जन्म देने के 2-3 महीने पहले महावीर प्रसाद की पत्नी जो थी इनकी तबीयत अचानक से एकदम से काफ़ी बिगड़ गई। इनको बहुत तेज़ बुखार हो गया और बुखार इतना तेज़ था कि वहाँ पर रहने वाला कोई भी डॉक्टर उस बुखार का इलाज नहीं कर पा रहा था। तो किसी ने इन्हें सलाह दी कि आर्मी का जो अस्पताल होता है उसमें इलाज कराएं, लेकिन आर्मी के अस्पताल में खाली आर्मी के व्यक्ति और उनके जो परिवार के सदस्य होते हैं वही इलाज करा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने महावीर प्रसाद ने एक जुगाड़ लगाई, इन्होंने अपने एक रिश्तेदार या परिवार के मित्र उनकी सहायता ली और उनके नाम पर अपनी पत्नी को भर्ती कराया आर्मी के अस्पताल में। इलाज चलता है, महावीर प्रसाद की पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगता है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। 10 दिसंबर 1983 को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ ही दिनों में इनकी हालत जो थी वो सुधर चुकी थी और ये अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई थी। उसके बाद 10 दिसंबर 1983 को इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम तोरण रखा जाता है और घर वाले प्यार से इसे टीटू बुलाते थे। तो 6ठा बच्चा था ये महावीर प्रसाद का, इसके पहले आखिरी बच्चा जो इनका हुआ था उसमें और टीटू में 13 साल की उम्र का फासला था। तो महावीर प्रसाद का सामान्य सा घर था, पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा थे नहीं। धीरे धीरे टीटू जो है वो बड़ा होने लगता है। 18 महीने का जब हुआ टीटू तो टीटू बोलना शुरू कर चुका था और अच्छी तरह से बोलने लगा था, लेकिन टीटू जब बोलना शुरू किया तो ये अजीब अजीब बातें करने लगा। ये अपनी माँ से कहता कि मेरे दादाजी को एक खबर भिजवा दो, उनसे कहना कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक से हूँ, और मेरे बच्चे सोनू और रोनू उनका दादाजी ख्याल रखें, ऐसा संदेश मेरे दादाजी तक भिजवा दो। ये बात वो अपनी माँ से कहता। तो इसके जो माता पिता थे महावीर प्रसाद और उनकी पत्नी, उन्होंने बच्चों की बातें समझकर इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन टीटू यही बातें करता रहा। टीटू जो था वो बचपन से ही कड़े स्वभाव का था,
तो घर की हालत जैसा मैंने बताया कि पैसा बहुत ज़्यादा था नहीं, तो कई बार जब ये अपनी माँ को फटी हुई साड़ी पहनने देखता तो ये अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता, डांटने लगता और ये कहता कि टीटू जो था, अच्छा ये अपना घर बताता था कि इसका घर आगरा में है और ये आगरा में अपने दादाजी को संदेश भेजने के लिए कहता था। तो जब टीटू अपनी माँ को फटी हुई साड़ी पहने देखता तो ये कहता डांटते हुए कि तुम ये कैसी साड़ी पहने हो, फटी हुई साड़ी, तुम्हारे पास और साड़ियाँ नहीं हैं क्या? आगरा में मेरा घर है, वहाँ पर तमाम तरह की साड़ियाँ हैं। इसी तरह घर की हालत के बारे में भी ये गुस्से में बोलता रहता। ये कहता कि ये क्या तुम टूटे फूटे छोटे से घर में तुम लोग रह रहे हो और आगरा में मेरा एक बड़ा आलीशान मकान है। फिर जब इन्हें कहीं जाना होता, बाजार या रिश्तेदार के घर या स्कूल, तो इन्हें पैदल जाना पड़ता था। उस समय भी ये टीटू गुस्सा हो जाता और ये कहता कि तुम्हारे पास आने जाने के लिए गाड़ी भी नहीं है, आगरा में जहाँ मेरा घर है वहाँ पर मेरे पास एक महंगी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। तो ये सारी बातें ये कहता रहता था। फिर एक बात और थी कि ये अपने माता पिता को कभी अपने माता पिता भी नहीं कहता था। इसकी एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था गुलू। तो ये टीटू अपने माता पिता न कहकर गुलू के माता पिता कहता था। ये कहता कि ये मेरे माता पिता नहीं है, मेरे माता पिता तो आगरा में है, ये गुलू के माता पिता है। और कई बार ये टीटू जो था ये परेशान भी हो जाता था क्योंकि इसकी समझ में नहीं आता था कि ये जो है इसका घर आगरा में है और ये यहाँ पर अचानक कैसे आ गया। ये सोच सोच कर टीटू परेशान भी रहता है। पिछले जन्म का अपने नाम ये सुरेश बताता था, ये बताता था कि पिछले जन्म में इसका नाम सुरेश था। और सुरेश से ये टीटू कैसे बन गया था, आगरा से ये 10 किलोमीटर दूर बाद के गांव में कैसे आ गया था, ये टीटू, नन्हा टीटू समझ नहीं पाता था। खैर ये बातें चलती रही, ये अपने भाई बहनों के भी नाम बताने लगा। फिर धीरे धीरे इसने बताया कि इसके भाई का नाम है राजा बाबू और इसकी बहन का नाम है सुशीला। बातें चलती रही, कई बार जो इसके माता पिता थे टीटू के, उनको जब ये ऐसी बातें कहता गरीबी के बारे में और तंगहाली के बारे में, तो उनको दुख भी होता, लेकिन बच्चों की बातें समझकर वो इसे टाल दिया करते थे। वो जब उनको अपने माता पिता ना मानकर गुलू के माता पिता कहता तब भी उन्हें ठेस लगती, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान इन बातों पर नहीं देते थे। कभी-कभी तो काफ़ी ज़िद भी करने लगता था ये, क्योंकि ये बचपन से ही अड़ियल के स्वभाव का था, अड़ियल स्वभाव का था टीटू। तो काफ़ी इसके माता पिता को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था। ऐसी ही एक घटना हुई 1987 में। उस वक्त तक टीटू जो था ये 9-10 साल का लगभग हो चुका था। 1987 में ये 6-7 साल का हो चुका था। अच्छा एक बात और थी कि इसके पिता ने जो तारीख बताई थी 10 दिसंबर 1983 टीटू के जन्म की, उनका कहना था कि ये इसके जन्म की असली तारीख है, बाकी जन्म प्रमाण पत्र में जो तारीख लिखी थी वो 1 साल पहले की तारीख थी बर्थ सर्टिफिकेट में। तो 1987 आते आते ये टीटू जो था ये बचपन से ही चालाक भी था, काफ़ी बात करने में काफ़ी होशियार भी था। तो 1987 के अप्रैल महीने में इसके पिताजी महावीर प्रसाद आगरा जा रहे थे किसी काम से। अब जब इसको पता चला टीटू को, तो ये जिद करने लगा कि इसे भी आगरा जाना है, अपने घर जाना है, अपने परिवार के सदस्यों से मिलना है। अब महावीर प्रसाद को गुस्सा भी आया, उन्होंने समझाया भी, लेकिन ये जिद काफ़ी कर रहा था और रोता भी जा रहा था। इसने अपने पिता की शर्ट का कोना भी फाड़ दिया था, काफ़ी ज़ोर से खींचा उसे। खैर टीटू को आगरा जाने नहीं मिलता है, इसके पिता जो थे वो अकेले आगरा चले गए। लेकिन टीटू, जैसा मैंने बताया कि ये बचपन से ही चालाक था और बातचीत करने में काफ़ी होशियार था, तो इसने किसी तरह से समझा बुझाकर अपने भाई को, अपने एक बड़े भाई को तैयार किया। इसने अपने बड़े भाई को समझाया कि आगरा में इसका एक बहुत बड़ा घर है, घर में गाड़ी है, तमाम तरह के कपड़े हैं, बहुत सारा पैसा है।
एक दुकान है जिसका नाम है सुरेश रेडियोस। सुरेश इसका पिछले जन्म में नाम था और उसी के नाम पर यह दुकान थी सुरेश रेडियोस, जिसका ये पिछले जन्म में मालिक हुआ करता था। तो इसने अपने बड़े भाई को ये सब बातें बताई। अब इसने अपने बड़े भाई को एक और चीज़ बताई। इसने बताया कि ये पिछले जन्म में टीटू जो था, ये एक स्मगलर था और गुंडा किस्म का इंसान था। तो ये मारपीट, लड़ाई झगड़ा, स्मगलिंग, क्राइम, इन सब में रहता था। ये बात भी इसने बता डाली थी अपने बड़े भाई को। तो किसी तरह से समझा बुझा कर इसने तैयार किया अपने बड़े भाई को और ये दोनों छोटे बच्चे आगरा की ओर निकल पड़े। 10 किलोमीटर की दूरी थी, ज़्यादा दूरी थी नहीं, तो दोनों खैर आगरा पहुंच गए। अब आगरा में इनको ढूंढना था सुरेश रेडियोस, और टीटू को पता था कि सुरेश रेडियोस कहाँ है। इसको पता था कि सदर बाज़ार में इसकी दुकान है सुरेश रेडियोस। तो ये दोनों आगरा के सदर बाज़ार में पहुंचते हैं और ये दुकान देखने लगते हैं। देखते देखते इनकी नज़र इन दोनों की एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था सुरेश रेडियोस। टीटू उस दुकान को पहचान जाता है। टीटू उस दुकान के अंदर ऐसे गया जैसे उसकी ये खुद की ही दुकान हो। वहाँ पर एक टीटू का फ़ोटो भी, सुरेश का फ़ोटो लगा हुआ था, यानी कि टीटू के पिछले जन्म का, उसको भी ये पहचान गया। लेकिन सुरेश रेडियोस में एक महिला बैठी हुई थी जिनकी उम्र 35-40 साल थी। उन महिला का नाम था उमा वर्मा। तो टीटू दुकान के अंदर गया, इसने उमा वर्मा को देखा, उमा वर्मा को भी ये पहचान गया और इसने बताया उमा वर्मा को कि ये टीटू है जो बाद के गांव में रहता है, लेकिन असलियत में ये सुरेश है, उमा वर्मा का पति, जो पिछले जन्म में उसका हस्बैंड हुआ करता था। इसने अपने बड़े भाई को भी ये बात बताई। इसने वो फ़ोटो दिखाई सुरेश की। इसने बताया कि ये मेरी फ़ोटो है और ये उमा वर्मा जो है मेरी पत्नी है। तो ये उमा वर्मा को देख के कुछ शर्माने भी लगा था, ये नन्हा टीटू। तो ये बात चली। फिर ये दोनों जो थे, उमा वर्मा ने जब इसने बताया कि ये सुरेश था पिछले जन्म में, तो उमा वर्मा ने इसको बताया कि सुरेश की जो 30 साल की उम्र में 28 अगस्त 1983 को मौत हो चुकी थी, 30 साल की उम्र में। और अब ये टीटू बता रहा था कि ये वही सुरेश वर्मा था। तो उमा वर्मा ने इससे बातचीत करी। इसने कई चीज़ों के बारे में बताया, कई राज खोले, तमाम बातें बताई, घर के बारे में, परिवार के सदस्यों के बारे में, घर में क्या क्या था इसके बारे में, घर कैसा था, तमाम चीज़ें इसने बताई। और आखिरकार जो मुद्दे की बात है कि टीटू उमा वर्मा को विश्वास में लेने में सफल रहा, ये कन्विंस कर ले गया, उमा वर्मा को विश्वस्त कर ले गया कि यही सुरेश है, और उमा वर्मा को विश्वास हो गया कि ये पिछले जन्म में सुरेश था, उनका पति। अब ये बात फिर खबर भिजवाई गई, क्योंकि ये दोनों बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, इनसे इनके घर का पता पूछा गया। तो उमा वर्मा को विश्वास तो हो गया था, फिर भी उन्होंने खबर भिजवाई इनके महावीर प्रसाद के घर को। महावीर प्रसाद के घर वाले आए और वो इन दोनों बच्चों को लेकर गए। फिर लेकिन अब जब उमा वर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों को ये सब बातें बताई और जानकारियां दी कि क्या क्या उस छोटे बच्चे ने उनके परिवार के बारे में बताया था, तो इसके जो परिवार के बाकी सदस्य थे, इनके परिवार के, उमा वर्मा के, सुरेश के पिछले जन्म के भाई बहन आदि, तो ये मिलने का इच्छा करते हैं, मिलने की इच्छा करते हैं टीटू से, और ये कन्फर्म करना चाहते थे, ये निश्चित करना चाहते थे कि ये पुनर्जन्म की घटना है। क्योंकि हमारे भारत में, जैसा आप जानते हैं, कि इस तरह की घटनाओं पर विश्वास करना कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है। तो ये विश्वास करने के लिए परखना चाहते थे टीटू को
जी, क्या ये टीटू ही है या कोई बहिरूपिया है जो जमीन या जायदाद के मकसद से ऐसा कुछ कर रहा है? तो ये सब लोग जाते हैं। उमा वर्मा अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीटू के घर पहुंचती हैं। और टीटू जो था उसको पता चल चुका था कि किसी ने खबर दे दी थी कि उसके परिवार के सदस्य आ रहे हैं, तो सुबह से ही ये बहुत बेचैन था और उत्साहित था। घर के लोग आए तो इसने जितने भी लोग आए थे उन सबको पहचान लिया। अपनी वाइफ को तो, अपनी पत्नी को तो खैर ये पहचान ही चुका था, इसने अपने भाई को पहचाना, अपने दोनों बच्चों को पहचाना। फिर से इसने वही सब चीज़ें बताना शुरू कर दिया, घर के बारे में, कार के बारे में, और ये कहाँ कहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाने जाता था, इन सब बारे में भी इसने बताया। पिछली ज़िंदगी इसकी कैसी थी, कहाँ पढ़ा, क्या किया इसने, कैसे रहता था, ये सब भी इसने बताया, और कैसे मौत हुई इसकी ये भी इसने बताया। तो घर वाले जो थे, इसके पिछले जन्म के घर वाले, तो उन्होंने पहले किसी ने अपना परिचय नहीं दिया था। और जब इसके बच्चे रोनू और सोनू को वो लेकर गए थे तो उन्होंने कई और बच्चों को भी साथ में लेकर गए थे जिनके बीच में उसे पहचानना था, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चों रोनू और सोनू को पहचान जाता है, पिछले जन्म के बच्चे। तो इसके सुरेश वर्मा के जो घर के सदस्य थे पिछले जन्म के, उनको यकीन हो जाता है कि ये जो है, ये टीटू सुरेश वर्मा का ही दूसरा जन्म है और पुनर्जन्म हुआ है। फिर ये वहाँ से जब लोग ये चलने लगते हैं तो ये उन लोगों को चुपके से बताता है, चोरी से, कि फिक्र मत करना, मैं जल्दी ही घर आ जाऊँगा, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, किसी दिन मौका देखकर मैं वहाँ आगरा अपने घर भाग आऊँगा। तो ये ऐसा इसने उन लोगों को बता दिया था। अब ये बात जो थी ये फैलना शुरू हो जाती है, फैलते फैलते काफ़ी फैल चुकी थी। तो यही दौर था जब यान स्टीवेंसन ने एंटोनिया मिल्स को भेजा यहाँ पर परखने के लिए कि क्या हकीकत है इसमें और क्या झूठ है। एंटोनिया मिल्स यहाँ पहुँचती हैं, टीटू से मुलाकात करती हैं। अब महावीर प्रसाद टीटू के इस जन्म के जो माता पिता थे वो इस चीज़ को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब चूँकि बात जो थी वो ज़्यादा बढ़ चुकी थी इसलिए वो भी ज़्यादा इनकार नहीं कर पाते हैं। और एंटोनिया मिल्स भी उनको समझाती हैं कि ये साबित करना चाहती हैं कि इसमें हकीकत है या झूठ है, इसलिए उनको साबित करने का मौका दें। तो टीटू के माता पिता महावीर प्रसाद और उनकी पत्नी मान जाते हैं। टीटू को फिर से एंटोनिया मिल्स लेकर आती हैं आगरा। आगरा जब ये लेकर आती हैं तो दुकान, जैसा इसने बताया था, दुकान ले जाना था टीटू को सुरेश रेडियोस, लेकिन दूसरी बार जब इसको लाया जाता है तो ये इसको दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। तो जब उस दूसरी दुकान पर ये टीटू पहुंचता है तो ये उस दुकान को पहचान जाता है। इसने कहा कि ये मेरी दुकान नहीं है, ये मेरे भाई की दुकान है। और हकीकत भी ये थी कि ये उसके भाई की ही दुकान थी। फिर इसको असली दुकान सुरेश रेडियोज़ पर लाया जाता है। दुकान के बारे में छोटी से छोटी जानकारी ये देता है, कौन कौन यहाँ काम करता था, कौन इसका मैनेजर था, किस दराज में पैसा रखा जाता था, अलमारी के किस दराज में पैसा रखा जाता था, किसका वहाँ पर फोटो लगा हुआ था, वो कहाँ वहाँ पर कैसे बैठता था। और इस बार जब टीटू को सुरेश रेडियोज़ में दोबारा ले जाया गया तो वहाँ पर जब ये अंदर गया तो इसने पड़े हुए स्टूल को लात मारी, और इसने उसी तरह लात मारी थी जैसे सुरेश की ये खास आदत थी कि वो जब दुकान में आता था तो स्टूल पर इसी तरह से लात मारता था। टीटू ने भी वैसे ही लात मारी और दुकान के बारे में सब कुछ बताया कि क्या कैसे था, कहाँ पैसा रखा जाता था, क्या कैसे काम किया जाता था। लेकिन एक चीज़ थी जो टीटू को परेशान कर रही थी और वो थी एक काउंटर, शोकेस, जिसे टीटू काफ़ी देर तक घूरता रहा। जाहिर सी बात थी, उसके चेहरे से लग रहा था कि ये परेशान कर रहा है उसे और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर क्यों है। ये शोकेस जो था वो
सुरेश वर्मा की मौत के बाद लगवाया गया था, इसलिए शायद टीटू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पर क्यों है। तो इसने वीडियो रिकॉर्डिंग की गई एंटोनिया मिल्स के द्वारा, इसकी सुरेश वर्मा की पत्नी के सामने बैठाकर इसको सवाल जवाब कराया गया, पूरी बातें उनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। फिर इसको घर ले जाया गया सुरेश वर्मा के, वहाँ भी टीटू ने सब कुछ जैसा था ज़्यादातर बातें सही बताई थी। इसने जो गाड़ी थी उसको भी चलाकर दिखाया, जो कार सुरेश वर्मा चलाता था उसको भी इसने चलाकर दिखाया, हालांकि ये ज़्यादा दूरी तक नहीं चला पाया था क्योंकि इसके जो हाथ पांव थे वो छोटे थे। गाड़ी में लगा हुआ जो रेडियो था टेप उसको भी इसने बजाकर दिखाया। तो ये सारी जो बातें थी वो अब लगभग लगभग जाहिर कर चुकी थी कि ये टीटू जो था ये सुरेश वर्मा का ही पिछला जन्म था, दूसरा जन्म था। फिर जो सुरेश वर्मा था, आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी? तो सुरेश वर्मा जैसा बताया गया था, जैसा टीटू ने बताया था कि वो पिछले जन्म में एक स्मगलर और गुंडा किस्म का इंसान हुआ करता था, बदमाश टाइप का इंसान हुआ करता था, तो उस बात में सच्चाई थी। सुरेश वर्मा एक ऐसा ही इंसान था। पहले दो बार सुरेश वर्मा पर हमला भी हो चुका था कई गिरोह ने, कुछ गिरोह ने सुरेश वर्मा पर हमला किया था जान लेने की नीयत से। कोई ऐसा गिरोह था जिनकी ऐसी जानी दुश्मनी थी कि वो सुरेश वर्मा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। अब इसमें जो भी बात रही हो, खैर ये बात तो सामने नहीं आई कि वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, लेकिन ये बात साफ हो गई। तो दो बार पहले बच चुका था ये सुरेश वर्मा जानलेवा हमले से, और तीसरी बार जब सुरेश वर्मा पर हमला हुआ उस समय ये अपनी दुकान से रात के समय लौटकर घर आया था, और घर के गेट पर ये खड़ा होकर हॉर्न दे रहा था, गेट खुलने का इंतज़ार कर रहा था, जब अचानक कहीं से चार पांच लोग आए और उन्होंने एक साथ गोलियां चलाना शुरू कर दी। उनकी गोलियां लगने से सुरेश वर्मा की उसी जगह पर मौत हो गई। जब एंटोनिया मिल्स इस केस की तहकीकात कर रही थी और इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रही थी, आगरा के कई इलाकों में भी वो टीटू यानी तोरण को लेकर घूमी, और इसका जो स्वभाव था बचपन में वो वैसा ही था अभी भी, बदमाश की तरह। तो ये बात भी उसी अंदाज में किया करता था, अभी भी चलता भी उसी अंदाज में था, और जितनी भी सुरेश वर्मा की चीज़ें थी उनको ये अपनी मानकर चलता था, ऐसे व्यवहार करता था जैसे इसकी खुद की अपनी है। एक बार की बात है कि एंटोनिया मिस जो थी वो टीटू को ले जाती हैं बाज़ार में, और वो चूड़ियों की दुकान पर कुछ चूड़ियाँ खरीदने लगती हैं। चूड़ियाँ एंटोनिया मिल्स को पसंद आई, उन्होंने चूड़ियाँ ली। तब टीटू ये जो था ये दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार को धमकी देता है कि ये जो औरत है ये मेरे साथ है, अगर तुमने इससे पैसा लिया तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूँगा। ऐसा टीटू ने धमकी दी थी उस चूड़ियों वाले दुकानदार को। तो इसका अभी भी रवैया वही था, बदमाशी टाइप का। तो खैर ये सब चलता रहा, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो चुके थे, सवाल जवाब हो चुके थे, अब साबित करने की बारी थी। तो टीटू का पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम इसकी जांच की जाती है टीटू की, टीटू के चेहरे पर जो निशान थे, और पोस्टमार्टम हुआ था जो सुरेश वर्मा का, उसके आधार पर टीटू के चेहरे पर निशानों का मिलान किया जाता है। तो टीटू की कनपट्टी पर एक निशान था, और ऐसा ही निशान सुरेश वर्मा की कनपट्टी पर तब बना था जब उनको गोली लगी थी। गोली जो थी वो सुरेश वर्मा की कनपट्टी पर लगकर, कान के ऊपर लगकर खोपड़ी के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई थी, और टीटू की कनपट्टी पर भी उसी जगह पर एक निशान था, कुछ चोट लगने जैसा,
और जिस जगह से सुरेश वर्मा की पीछे से सर के पीछे से गोली निकली थी, वहाँ पर उसकी खोपड़ी की जो हड्डी थी वो थोड़ा उठी हुई थी, ऐसे जैसे अंदर से दबाकर बाहर किया गया हो, अंदर से बाहर को दबाया गया हो। ये चीज़ टीटू की जो खोपड़ी की हड्डी थी उसमें सामने आई। और कुछ और निशान मिले, सर के पिछले हिस्से पर 3 ऐसे निशान थे जैसे निशान सुरेश के सर के पिछले हिस्से पर थे, उन्हें पहचाना गया। माथे पर कुछ निशान थे, चोट लगने के जहाँ जहाँ पर पोस्टमार्टम में रिपोर्ट थी, सुरेश के जहाँ जहाँ पर चोट लगी थी गोली से या किसी और चीज़ से, उसी जगह पर निशान मिले थे टीटू के भी। तो ये चीज़ दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और टीटू का निरीक्षण करने से दोनों चीज़ें सामने आई और ये दोनों चीज़ें जो थी वो साबित हो जाती हैं। लेकिन टीटू के सर पर कुछ और निशान थे। अब ये निशान क्यों थे? तो जितने भी ये पुनर्जन्म की रिसर्च कर रहे थे, इनको लगभग लगभग यकीन हो गया था कि पुनर्जन्म का असली केस है। तो इन्होंने ये मान लिया था कि ये जो निशान है ये सुरेश के सर पर चोट लगने की वजह से हैं, लेकिन बाकी के जो निशान थे इनका राज इनके समझ में नहीं आ रहा था। फिर कोई सामने आता है, वो बताता है कि पुनर्जन्म जो है ये 2 तरह का होता है। एक पुनर्जन्म जो होता है वो जन्म के समय होता है, और एक पुनर्जन्म जो होता है वो बॉडी ट्रांसफर होता है, वो किसी भी समय हो सकता है। तो ये जो केस था वो जन्म के समय पुनर्जन्म का केस था। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि जब सुरेश का कत्ल हुआ, और सुरेश जो था वो काफ़ी गुस्सैल किस्म का इंसान था, और इसका इसीलिए लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता था क्योंकि ये बात बात पे गुस्सा हो जाता था और गर्म खून का था। तो सुरेश काफ़ी गर्म खून का था, गुस्सैल था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। और ये एक धारा सामने आई कि जब सुरेश का कत्ल हुआ, लोगों ने सुरेश का कत्ल कर दिया, तो सुरेश की आत्मा जो थी वो गुस्से से भर गई, और जन्म लेने की जल्दी में इसको ये दूसरी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता था। ये जन्म लेने की जल्दी में था, गुस्से में था, और अपना बदला लेने के लिए सुरेश की आत्मा जल्दी में थी कि ये जल्दी से जन्म ले और अपना बदला ले। इसलिए महावीर प्रसाद की पत्नी जो थी, ये इनके पेट में संतान थी, तो ये इसकी जो आत्मा थी, सुरेश वर्मा की आत्मा, ये उस संतान में अपनी जगह बना लेती है, और उस संतान के अंदर जो पहली अपनी आत्मा थी, पिछली जो आत्मा थी, उसको ये बाहर फेंक देती है ज़बरदस्ती। सुरेश वर्मा की आत्मा ने पिछली आत्मा को ज़बरदस्ती बाहर निकाल कर उसकी जगह पर अपना स्थान बना लिया था। और ऐसा जब होता है, जब कोई आत्मा ट्रांसफ़र करती है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को निकालती है, तो जन्म के कुछ महीने पहले एक तेज़ बुखार आता है, वैसा ही तेज़ बुखार जैसा इसकी माँ को आया था, टीटू सिंह की माँ को, यानी महावीर प्रसाद की पत्नी को। तो 3 हफ्ते पहले जैसा उनको काफ़ी गहरा बुखार आया था, ऐसा बुखार भी आता है जब कोई आत्मा जो है परिवर्तित होती है, एक आत्मा निकलकर दूसरी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। और ये जो सर के पिछले हिस्से पर जो 3 निशान थे, ये हो सकता है कि जो पिछली आत्मा है उसकी वजह से 3 निशान बच्चे के सर पर बन गए हों, जो बाद में मिट नहीं पाए और आज भी मौजूद है। तो ये धारणा आई कि जन्म लेने की जल्दी में सुरेश की आत्मा ने पिछली आत्मा को निकाल दिया और खुद ये जन्म ले लिया। ये कहानी जो है, इसका वीडियो भी बनाया गया, सुरेश रेडियो जो है वो भी मौजूद है आगरा की सदर बाज़ार में। ये सारे लोग जिनका भी इस कहानी में जिक्र है, चाहे वो महावीर प्रसाद हों या उमा वर्मा हों या इसके भाई हों सुरेश वर्मा के पिछले जन्म के, ये सारे लोग मौजूद हैं। इनके ऊपर पूरी रिसर्च की गई है, कई तरह से इस कहानी को जांचा परखा भी गया है। अगर ये कहानी सच है तो आज ये टीटू सिंह कहाँ है, सवाल उठता है।
और इसके जो हत्यारे हैं उनका क्या हुआ। बताया जाता है कि जो उमेश वर्मा, सुरेश वर्मा था, ये अपने हथियारों को पहचान नहीं पाया था, क्योंकि अचानक से गोली चली थी और किसने गोली चलाई थी ये वो जान नहीं पाया था कि किसने गोली चलाई है, देख नहीं पाया था उनको। और ये टीटू इस जन्म में पहले तो ये बदमाश किस्म का था, उसी किस्म की हरकतें करता रहता है जैसा कि सुरेश वर्मा किया करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो टीटू के व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है, ये अपना स्वभाव बदलने लगता है, पढ़ाई लिखाई में मन लगाने लगता है, सामान्य सा बच्चा बनने लगता है, शांत हो जाता है, गुस्से भरी बातें नहीं करना अब इसको अच्छा लगता था जैसे पहले किया करता था। तो ये पिछले जन्म को अपने लगभग लगभग भूल चुका था या भूलने का प्रयास कर रहा था, धीरे धीरे शायद ये भूल भी गया हो। सन 2012 में बताया जाता है कि सन 2012 में टीटू को यानी तोरण सिंह को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और उस समय से टीटू सिंह यानी तोरण सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। अब इन्होंने एक शांत जीवन जीने का तरीका अपना लिया है, ये अपने पिछले जन्म के परिवार से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इस बात की तो खैर जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी है कि ये 2012 से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, टीटू सिंह और तोरण सिंह। तो ये थी हमारी आज की कहानी टीटू सिंह के पुनर्जन्म की, जिसे भारत की सबसे विश्वसनीय पुनर्जन्म की घटनाओं में से एक माना जाता है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।